गुरुजी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको वो व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पे आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर ऑडियो प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर लिखित सत्संग भी शेयर कर सकते हैं और उस सत्संग को सारे गुरु परिवार के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कि आंटी अब इसका कहाँ रखना है, इसको कहाँ रखना है, गंजी रोल में तेरे को पता नहीं है फड़ का क्या मतलब होता है। देन इट डिन डॉन ऑन मी फॉर क्वाइट सम टाइम कि गुरुजी ने अपना चोला मुझे दे दिया। मैंने मुट्ठा टेका तो गुरुजी ने मुझे बोला, सब पता है उनको, गुरुजी ने मुझे बोला कभी कोई चिंता ना लाना, मैं तेनु इन्ना ब्लेस कर देता। उसका मीनिंग मुझे उस टाइम भी नहीं समझ आया। जब नेक्स्ट डे गुरुजी ने हमें छुट्टी दी, हम लोग चंडीगढ़ गए, सारे रास्ते मैंने गुरुजी का चोला अपनी गोद में रखा एंड वी रीच चंडीगढ़। नेक्स्ट डे आई रिपोर्टेड फॉर माय मेडिकल चेकअप, तो बच्चे की फीटल हार्ट कुछ ज्यादा थी एंड आई वाज वेरी एग्जॉस्टेड टायर्ड। तो डॉक्टर टोल्ड मी एक हफ्ते का रेस्ट करो, वील ऑपरेट ऑन 5th of September। जब आप सिजेरियन के लिए ऑपरेशन थिएटर के दरवाजों के अंदर जाते हो, आपका कोई साथ नहीं होता, आपके कपड़े आपका सब कुछ बाहर निकल जाता है। शायद चिता पे लेटते समय वही फीलिंग होती होगी, अगर कोई फीलिंग होती है। देन आई रियलाइज कि कभी भी कोई चिंता ना लाना, मैं तेनु इन्ना ब्लेस कर देता। सारे परिजन आपके दरवाजे के बाहर छूट जाते। आई वेंट ऑन टू द ओटी टेबल, द डॉक्टर्स वर लिटिल लेट, आई वॉज मेड टू वेट ऑन द ओटी टेबल एंड इवन देन गुरुजी हैड गिवन मी सो मच ऑफ पावर कि आई वॉज नॉट अपसेट, कि एनेस्थेटिस्ट गॉट अपसेट। He told me nobody in the world smiles on the OT table which you are doing with these OT lights on. Tell me, aapki shakti kahan? Then I told him about Guruji and I don't know when I got the anesthesia, I don't remember anything and I think when I got up the whole world was congratulating me ki tera beta hua. It was such an effortless pregnancy, such an effortless delivery ki maine apne husband ko aake recovery room mein bola, यार पता नहीं लोग इतना शोर क्यों मचाते हैं, ऐसी बात है तो मैं तो 10-12 बच्चे कर दूँ। और 2 महीने बाद जब मैं ऑन द वे फ्रॉम चंडीगढ़ टू माय हस्बैंड हैड रिलोकेटेड टू बॉम्बे, तो हम लोग बॉम्बे जाने के लिए दिल्ली आए, गुरुजी के मंदिर गए, तो गुरुजी ने आते ही बोला कि कह दिया 10-12 बच्चे कर दे, कोई नहीं तेरा दूजा भी मुंडा होगा। समा मेरी देवरानी के 2 लड़के रहे हैं, शी इज सीनियर टू मी बाय एज। मेरे को था नहीं गुरुजी, मुझे तो लड़की चाहिए। और मेरे फादर हमेशा पत्री देख के मुझे कहते थे कि तेरे किस्मत में लड़की का योग भी है। तो आप आर्ग्यू करने के लिए बोलते हो कि कोई नहीं मेरी बहुएं मेरी बेटियों की तरह होंगी, देन ही रोल भी तुम उतना रहोगी नहीं, यू विल डाई बाय 53, देयर इज नो लाइफ बियॉन्ड दैट, सो यू विल नेवर हैव अ डॉटर। अब उस टाइम तो जब बोलते थे तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप छोटे होते हो, लेकिन जब आपकी जिंदगी में वो फेज आने लगता है तब आपको वो सब कुछ चाहिए जो आपकी किस्मत में नहीं है। एंड आई स्टार्टेड प्रेइंग टू गुरुजी कि मेरा नेक्स्ट चाइल्ड लड़की होगी। बड़े लोगों के गुरुजी ने सत्संग सुनाए जिसमें हर बार यही मैसेज आता था कि आगे लड़की पालने का जमाना नहीं है। फिर एक दिन मैंने गुरुजी को बोल ही दिया, मैंने कहा गुरुजी आपको क्या लगता है ये बच्चे मैंने पालने हैं? पालने तो आपने, अगर आपकी कैपेबिलिटीज में कमी है तो मुझे लड़की मत देना, नहीं तो मुझे लड़की देना। क्योंकि वो एक दिन जब रक्षाबंधन होगी मेरा लड़का इंतजार करेगा और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी का भी इंतजार करे, उसकी अपनी बहन होनी चाहिए। और आप सोचो, आई कंसीव्ड अगेन, इन बिटवीन मेरा ड्रॉप भी हुआ, आई कंसीव्ड अगेन एंड 7वें महीने में आई वॉज इन बॉम्बे विद नो एंटीनेटल चेकअप, नो आइडिया हाउ मेनी चिल्ड्रन आई हैव। क्योंकि जब मैं डिलीवरी के लिए फिर जलंधर मंदिर आई, वहां मुझे बब्बर आंटी मिली एंड शी आस्क्ड मी शशि आर यू कैरिंग ट्विन्स। मैंने कहा मैंने तो अल्ट्रासाउंड ही नहीं कराया, मुझे पता नहीं, पर अब तो जितने भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शी सेड तू डॉक्टर हो गए, तेरे को ये नहीं पता कि तेरे कितने बच्चे हो रहे हैं? मैंने कहा पहला गुरुजी ने दे दिया, आगे जो देंगे सही देंगे। शी वॉज शॉक्ड, बट गुरुजी ने उस टाइम जब मैंने अपना चेकअप कराया बिफोर गोइंग टू जलंधर मंदिर, तो डॉक्टर टोल्ड मी 12th अप्रैल को हम तेरा इलेक्टिव सिजेरियन करेंगे, कमांड हॉस्पिटल लगे। अब 12th अप्रैल हैपन टू बी माय मदर इन लॉज बर्थडे, तो मुझे लगा नहीं, व्हाई शुड माय चाइल्ड शेयर द डेट ऑफ बर्थ। तो मैं अपने हस्बैंड से लड़ने लगी कि डेट चेंज कराओ, इट्स एन इलेक्टिव सिजेरियन, एक दिन पहले एक दिन बाद भी हो सकता है, इसको चेंज कराओ। बट somehow the फैमिली was नॉट फॉर इट। तो मेरे मन में बड़ी वो उथल पुथल चल रही थी कि वाई शुड इट बी द सेम डे। एंड आई वेंट टू जलंधर मंदिर कुछ दिन पहले, तो गुरुजी ने गेट पर ही मुझसे पूछ लिया कदों की डेट मिली है। मैं कहा गुरुजी 12 तारीख की।
कहते हैं 12 नू नहीं 5 नू करा। आप सोचो, मतलब किसी को मैं बता नहीं सकती कि गुरु जी आप कितने बड़े हो जब आपने डेट चेंज कर दी। और मैं बड़ी खुशी खुशी दो दा फैमिली डेंट लाइक इट, पर मैं वापस आई, गुरु जी ने जब आज्ञा दी जलंधर मंदिर से, एंड आई गॉट माई सेल्फ ऑपरेटेड ऑन स्टेप। आई हैड टू फाइट विद द ऑपरेटिंग सर्जन हल्की, बट फाइट इन द सेंस यू हैड टू आर्ग्यू। और सेवंथ को वो डॉक्टर जब राउंड्स पर आया एंड ही वॉज अलोन विद मी, ही आस्क्ड मी किसने डेट चेंज की थी, डिड यू टेक अ सेकंड ओपिनियन। मैंने कहा इसका मतलब कुछ हुआ है टेबल पे, इफ यू प्रॉमिस टू टेल मी द ट्रुथ आई विल टेल यू। ही वॉज अ सिख कर्नल कंवर एंड आई टोल्ड हिम कि नहीं मेरे गुरु जी की आज्ञा। अब ही न्यू द महिमा ऑफ गुरु जी, तो ही टोल्ड मी शशि आजकल के जमाने में ऐसे गुरु नहीं मिलते। मैंने कहा मेरी लक है। कहते तेरा गुरु में इतना विश्वास है शशि, तू जिस भी गुरु की शरण में बहुत पावरफुल है। एंड देन ही टोल्ड मी कि मैंने जब तेरा चेकअप किया था यू वर परफेक्टली ऑल राइट। मैंने तो बोला मैं तो फिर जलंधर भी गाड़ी चला के गई और जलंधर दो तीन दिन रहकर फिर वापस आई। ही टोल्ड मी व्हेन आई ऑपरेटेड योर यूट्रस हैड रप्चर्ड एंड द बेबी वॉज आउट, मेडिकल टर्म्स में विद इन 24 आवर्स यू वुड हैव डाइड, समहाउ इट डिडंट हैपन। दिस इज गुरुजी, दिस इज द पावर ऑफ गुरुजी। आई हैव बीटन पर्सनली इन माई इंटायर लाइफ टिल नाउ 26 टाइम्स द डेथ एज आई नो। गुरु जी की ने तो और भी बड़ी की हूँ। दिस इज द सेकेंड टाइम देन दिस हैपेंड, देन आई गॉट अ ब्यूटिफुल डॉटर। जब मेरे को ये खबर मिली कि मेरी बेटी हुई है, तो मैंने गुरु जी से मनी मन पूछा, बोला मतलब कि गुरु जी इसके बाद मैं आपसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगूंगी, आज तो आपने मुझे वो दिया जो मेरी मुकद्दर में भी नहीं था। और बच्चों के नाम गुरु जी ने दिए, बेटे का नाम समीर, बिटिया का नाम श्रद्धा। मतलब इतने अनयूजुअल नेम्स। और गुरुजी के जब बेटा पैदा हुआ, इसके माथे पर गुरुजी का तिलक है जो उसको ही नहीं दिखता, बाकी सबको दिखता है। तो मैं ये देखती हूँ चलो तेरे में घमंड ना आए, लेकिन तो मेरे मदर इन लॉ हमेशा कहते थे कि अगर गुरुजी के तिलक वाला बच्चा है, तुझे नहीं पता किस ऋषि मुनि की आत्मा गुरुजी ने तेरे को दी है, इसे कभी पैर ना लगाना। और डे वन से मेरे दोनों बच्चे मुझे कभी भी बच्चे नहीं लगे। I have lived my childhood with them, played with them, and they have been so mature, so understanding. I have never felt कि ये छोटे बच्चे हैं जिनको मेरे को protect करना है, क्योंकि protector तो गुरु जी, लाने वाले भी वही, रखने वाले भी वही। And that is a very different feeling as a parent. कि जैसे ही जैसे ये बच्चे बड़े होते गए, मेरे में ये feel आती रही कि I am incompetent to be a mother to them. Really, गुरु जी की इतनी कृपा है। मैं ये नहीं कह रही कि उनका सब कुछ सही होता है, लेकिन उनका कुछ गलत होने नहीं देते गुरुजी, जबकि मुझे भी दिखता है कि ये गलत कराए इसमें गलत होएगा, लेकिन गुरुजी रिजल्ट बदल देते हैं। तो दिस हैपेंड इन 2002 एंड गुरुजी ने बिटिया दी मेरे को। तो वी यूज टू कम थ्राइस टू गुरुजी मंदिर, एटलीस्ट नहीं दिया, वी हैड रीलोकेटेड टू बॉम्बे। मेरे हस्बैंड की कोई स्टेबल जॉब नहीं थी, तो समटाइम्स यू नो जब बच्चों को स्कूल में डालना था, एंड यू नो ऑल स्कूल टेक डोनेशन, वी डिडंट हैव द मनी। तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि पैसे नहीं थे एंड जॉब नहीं थी, और मुझे गुरुजी ने प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए मना कर दिया था, तो रोटी कैसे खाओ। तो बॉम्बे जैसी माया की नगरी जिसमें पैसे के अलावा कोई भाषा नहीं चलती, उसमें मैं आ गई बिना पैसे के। तो एक बार शायद गुरुजी का बर्थडे था व्हेन आई थिंक 2003 या 2004 में, एंड आई वॉज वेरी डिटर्मिंड कि आज मैं गुरुजी से पूछ के जाऊंगी कि नौकरी कब लगेगी, अरविंद की लगा दो, क्योंकि आदमी की तनख्वाह से तो घर चल जाता है, इज्जत रहती है, औरत भी बच जाती है। पर समा वो हो नहीं रहा था। जब मैं बड़े मंदिर में वो गेट की लाइन से अपना लाइन में आते 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 गुरुजी के पास आई, इससे पहले मैं कुछ बोलती, भीड़ तो काफी थी, इससे पहले मैं कुछ बोलती गुरुजी ने मुझे बोला, शशि आंटी तेनु इन्ना ब्लेस कर देता, तेरे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं हो। मेरे दिल को इतनी शांति मिली जैसे मेरे को कुबेर का धन मिल गया। मैं वापस आ गई, मैंने कुछ नहीं बोला गुरुजी से। जब मैं बॉम्बे आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि क्या कर दिया मैंने, पूछा नहीं मैंने। तो गुस्से में आके ना कि कहते ना गुरु की भी परीक्षा ले लो, कहते गुरु आएगा इज्जत रखने के लिए। मैंने अपने सारे घर के जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो सब अपनी मेड्स को दे दी। वो मेड्स मेरे घर काम नहीं कर रही थी, वो आसपास में आती थी, बट दे हैड वंस वर्क फॉर मी। आई डिडंट हैव द मनी, तो मैंने कोई मेड नहीं रखी थी, ऊपर से मैंने घर का सब सामान उठा के उनको दे दिया। उनको लगा मेरा दिमाग खराब हो गया, किसी को भी लगेगा। मैंने उसको बोला नहीं, मेरे गुरु की इज्जत है, मेरे को भी देखना है कितना देते हैं।
और आप मानोगे नहीं संगत जी, महीने डेढ़ के अंदर हस्बैंड की टाटाज में नौकरी लगी, घर के नीचे 3 गाड़ियां, हम 2 जने गाड़ी चलाने वाले, घर में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो गुरुजी ने हमें नहीं दी, इतना वो देते गए कि मुझे शर्म आ गई। मैंने कहा गुरुजी बस बंद कर दो नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। और तब मुझे वो फेमस चीज समझ आई कि गुरु एक हाथ से भी देवे तो 2 हाथ में नहीं समाता, गुरु जब देने पर आता है तो वो इतना देता है जो तुम सोच नहीं सकते। दिस वॉज अ ट्रांजिशन इन माई लाइफ कि गुरुजी क्या है। बॉम्बे से मैं एक बार दिल्ली आई हुई थी, तब गुरुजी ने थोड़े रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू कर दिए थे, मसलन 2003 और 2004। तो मुझे याद है जब मैं एम्पायर स्टेट के बाहर गेट से अंदर आ रही थी, बस में मैं अपने बच्चे उठा के लाई, एक कक्कड़ अंकल सेवादार होते थे, उन्होंने मुझे बोला बच्चों को अंदर ले जाना अलाउड नहीं, मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे गोद में। तो मैंने कक्कड़ अंकल से बोला आप सेवादार हो, मैं उनको जानती नहीं थी, कहते हैं हाँ। मैंने कहा फिर आप बच्चा पकड़ो, आप सेवा करो, मैं अंदर जाती हूँ। नहीं गर्मी मैं ये सब नहीं कर सकता। मैंने कहा फिर अंकल रास्ता मत रोको, मैं बच्चे कहाँ छोड़ के आऊँ। आई गॉट देम इन विद द कंडीशन कि अगर कोई भी बच्चा आवाज करेगा तो आप बाहर आ जाओगे। तो दोनों बच्चे बड़ी गहरी, गुरुजी का सवाल ये होता था जब आप एम्पायर स्टेट के गेट पे पहुंचे गुरुजी बच्चे सुला देते थे। मैंने एक दो लोगों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं वो लोग देखते हैं, नजर लगती है, फिर गुरुजी सुला देते हैं। एनीवे बच्चे बड़े पीसफुली सोते थे और पूरी संगत हम अपने बच्चों के साथ अटेंड करके जाते थे। और एक दिन हुआ कि मेरा बेटा मेरी गोद में बड़ा डीप स्लीप में था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा लाइटर प्लेन में हुआ, मुझे लगा कहीं कुछ वैसे चिल्लाते नहीं थे मेरे बच्चे, फिर भी मैं बाहर आ गई। बस विंटर थोड़ी थोड़ी मैं बाहर आई और मंदिर का दरवाजा घेरा हुआ था, बंद था। जब 2 लोग बाहर से और आए तो सेवादार अंदर आए, बोलने लगे अंदर 2 लोगों के बैठने की जगह है, आप में से कोई 2 लोग अंदर आ जाओ। तो 2 जेंटलमैन को मैंने बोला आप लोग अंदर चले जाओ, मेरे साथ तो बच्चा है, आप जाओ 2 की जगह आप दोनों अंदर जाओ। वो दोनों अंदर चले गए। थोड़ी देर में सेवादार फिर आए और मुझे कहने लगे गुरुजी ने बोला है कोई भी बाहर नहीं बैठेगा, जो बाहर है वो अंदर आओ। मुझे कहने लगे आप अंदर चलो। मैं अंदर गई, हॉल पूरा फुल था, मैंने सेवादार की शक्ल देखी, तब गुरुजी ने इशारा करा और बिल्कुल अपने सिंहासन के पास बिठाया। उस दिन गुरुजी ने किसी की चुन्नी, काले रंग की चुन्नी अपने सिर पे बांधी हुई थी और मुझे मिस्टर शौरी, अरुण शौरी से इंट्रोड्यूस कराया। तो गुरुजी ने मुझे बोला आपने सत्संग सुना, तो मैं उनको बता रही थी कि उसमें मैंने ये भी बोला कि मुझे मेरे हस्बैंड के जितने कोलीग्स हैं उनकी वाइफ बोलती हैं तू बच्चों की माँ नहीं लगती, यू लुक सो यंग, तो तेरी शक्ल से नहीं पता चलता कि तू 2 बच्चों की माँ है। तो गुरुजी बोलते हैं शक्ल तो की अकल तो भी नहीं है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। देन आई रियलाइज की व्हाट इज ही मीनिंग, मेरे को किसने बताया बच्चे कैसे पालते हैं, और जब तुम्हारे अपने बच्चे होते तुम्हारी डॉक्टरी भी बैठ जाती है, और बॉम्बे जैसी जगह में तो कोई डॉक्टर फ्री में भी नहीं बात करता, पैसे तो मेरे पास थे ही नहीं। तो बच्चे तो मैंने इसलिए पाले कि कोई पड़ोस ने कुछ बोल दिया, नौकरानियों ने कुछ बोल दिया, जिसने जो बोल दिया वैसे ही पाल दिया, और बच्चे अच्छे खासे पाले। ये गुरुजी के तरीके हैं, आपको किसी चीज को दौड़ने की जरूरत नहीं है, चीज आप तक आ जाएगी। ऐसे मैंने बच्चे पाले। फिर गुरुजी ने, जब मैं बेटे के टाइम में प्रेग्नेंट थी, एंड आई यूज्ड टू गो एवरी वीक, एक बार मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे, वो पीछे कहीं बैठे थे डीजे अंकल के पास, कुछ शब्द वगैरह जहां से लगते थे म्यूजिक सिस्टम के छोटे मंदिर में। तो गुरुजी ने मुझसे बोला शशि आंटी घर खरीद। अब मैं ठहरी सर्विस बैकग्राउंड के फैमिली से, हमारे हिसाब से तो जब आप रिटायर होते हो तो उस पैसे से आप घर खरीदो, मेरे पेरेंट्स ने तो यही किया था। मैं कहा गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है। तो गुरुजी ने बोला तेरे घर वाले को बड़े पैसे में बुलाओ उनको। मैं गई, मैं बुला के लाई। गुरुजी ने हम दोनों को सामने बिठाया और मेरे से पूछते हैं 10 यदि तनख्वाह कितनी है। मेरे को कुछ आइडिया नहीं, बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं। मैं कहा गुरुजी मुझे नहीं पता। कहते तू अभी घरवाली है तो अपना हिसाब रख क्या कर। मैंने ही पलट के बोला, मैं कहा गुरुजी परमात्मा हिसाब रखे है, मैं कौन सा हिसाब रखूंगी। मेरे हिसाब से तो मैंने जवाब दे दिया। बाद में मुझे समझ आया गुरुजी क्या बोल रहे हैं, पर मैं उन वाइज में से कभी भी नहीं रही हूँ जो हस्बैंड से कोई एक पलट के सवाल भी पूछूं, इंक्लूडिंग तनख्वाह, इंक्लूडिंग मनी। नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन मैं नहीं पूछूंगी कहाँ गए थे क्या करा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं बड़ी बिंदास जिंदगी जीती हूँ। धीरे धीरे फिर मुझे रियलाइज होने लगा कि गुरुजी मेरे को इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पे एक दिन मैं बॉम्बे में प्राइवेट कॉलेज में मैं काम करती थी, आई यूज टू ड्राइव, हमारी गाड़ी फीएट सीएना थी विच आई यूज टू यूज। तो एक दिन मैं कॉलेज जा रही थी, सडनली आई रियलाइज ऑन द हाईवे कि मेरी कार की ब्रेक फेल हो गई। तो व्हेन आई लुक्ड इन द डैशबोर्ड तो आई सॉ कि उसका जो टेम्परेचर है वो 1 से ऊपर है। तो औरतों की क्या टेंडेंसी होती है कि हाईवे पे कहाँ खड़ी होंगी, पास ही कॉलेज है, कॉलेज तक ले जाती हूँ। तो व्हाट आई डिड वाज
जिसने मुझे ड्राइविंग सिखाई थी उसने मुझे ये बताया था कि गाड़ी हैंड ब्रेक खींचने से रुक जाती है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो गियर्स को लोअर डाउन करते हुए मैंने गाड़ी की स्पीड रोकी, मतलब डिड मेक इट इन न्यूट्रल। दैट वाज वन ऑफ द ट्रिक व्हिच वाज टोल्ड टू मी एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग के लर्निंग में। सो आई रिड्यूस द कार स्पीड एंड आई वेंट इनटू माय कॉलेज पार्किंग एंड आई पुल्ड द हैंड ब्रेक टू स्टॉप द कार। देयर वाज फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन इन द कार। मैंने उनको बोला तुम लोग यहाँ से हट जाओ, द ओनली थिंग यू आर नॉट सपोज टू डू इज टू ओपन द बोनेट। एंड पीपल टोल्ड मी तेरी गाड़ी में नीचे से आग लगी हुई थी, देयर वर फ्लेम्स अंडर योर कार। And the only thing I did was to go and open the bonnet and a huge ball of smoke came on. Lekin mere face pe kuch nahi aaya. And the whole thing was fuming. Aur main bade usse matlab dimag nahi chalta. Main car park ke attendant ko bola hi ki jab ye smoke khatam ho jayegi na tu bonnet band kar dena. Meri head of the department aayi, she saw my car on smoke, bonnet open, so she asked me, "Shashi, tune apni gaadi ka bonnet khulla choda hai?" Main kaha, "Haan madam, usme se dhuaan nikal raha tha." तुझे आदमी तेरी गाड़ी में पेट्रोल है और मैं बड़ा बोझ करके, हाँ हाँ टंकी फुल है। ठीक है, अगर ये कार बर्स्ट कर जाती, इट वाज अ टाइम बॉम्ब यू गॉट इनसाइड द प्रेमिसेस ऑफ द कॉलेज, कितने लोग मार देती तू। बाकियों का तो छोड़ो, तब तो मुझे याद आया कि अच्छा मैं भी मर सकती थी, ये गुरु जी। और जब मैंने मैकेनिक बुलाया वो मुझे कहता मैं नहीं मानता इस गाड़ी में आग लगी क्योंकि गाड़ी में कोई नुकसान नहीं है। मेरे कहते 50 लोगों ने देखा है, तू उनसे मतलब मैं क्या बोलूं तेरे को, कहता है इसकी तो वायर भी नहीं मेल्ट करी है। फिर वो गाड़ी लेके गया, 15 दिन के बाद मुझसे कहता है इसका कूलेंट का पंप फेल हो गया था, तो कूलेंट वाज नॉट सर्कुलेटेड, बट आई डोंट बिलीव कि गाड़ी आग में गई। एक दिन किचन में मैं खाना बना रही थी, प्रेशर कुकर फट गया और फिर भी मेरे को कुछ नहीं हुआ। दिस इज गुरु जी, मौत टालते टालते द वर्स्ट सिनेरियो हैपेंड इन 2014। बिफोर आई कम टू दैट, 99-2000 की बात है, 2009 में, हाँ इट वॉज 2009 जुलाई एंड, मेरे मदर इन लॉ यूएस से वापस आए एंड शी कॉल्ड मी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट गुरुजी। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा उस दिन मैं ऐसी लेटी हुई थी और गुरुजी का कैलेंडर टंगा हुआ था, वो जो रघु राय जी का बड़ा सा कैलेंडर है, आई वॉज स्टेयरिंग एट दैट कैलेंडर व्हेन गुरुजी टोल्ड मी शशि आंटी उठ लंगर बना। और मैंने फट से गुरुजी से पूछा, गुरुजी संगत कितनी है? तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, वो फोटो में वापस अपने स्वरूप में चले गए। तो मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन शाम तक अरविंद के कोलीग हु आर ऑल्सो गुरुजी भगत, दे टोल्ड मी दे वांट टू कम ओवर बिकॉज दे आर वेरी डिप्रेस्ड एंड दे डोंट वांट टू डू सम सत्संग विद मी। मेरे को तो समझ आ गई कि गुरुजी ने संगत भेज दी है। तो मैंने सब, मेरा हस्बैंड कहने लगा मैं बाहर से खाना ले आता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने उसको कुछ नहीं बताया कि गुरुजी ने दर्शन दिए। मैंने सब्जी बनाई, दाल बनाई और चपाती बनाई, क्योंकि गुरुजी का लंगर तो हमेशा सिंपल, कोई ज्यादा पकवान नहीं। तो व्हेन दे केम एंड वी सर्व चाय प्रसाद, देन दे टोल्ड मी कि हम हर बार तेरे घर से खाना खाते जाते हैं, इस बार नहीं खाएंगे। देन आई केम आउट, मैंने कहा गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, आप संगत हो। द ओनली थिंग इज कि मैंने चपातियां बना के रखी हैं, लेट अस बी ऑनेस्ट, हम मैंने गिन के नहीं बनाई है और हम गिन के नहीं खाएंगे। जिसने जितनी खानी है वो कैसेरोल से चपाती निकालेगा एंड यू विल सी, अगर ये लंगर है ये खत्म नहीं होगा। और एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड, नोबडी नोज हाउ मेनी दे एट बट देयर वाज स्टिल वन चपाती लेफ्ट। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को ये नरेट किया, मम्मी ऐसे ऐसे हो गया, तो शी टोल्ड मी तेरे को समझ नहीं आ रहा, गुरु जी चले गए टू स्टार्ट द संगत इन बॉम्बे। मेरे को लगा ले मेरी मदर इन लॉ को बड़ा शौक है मेरे से रोटियां बनवाने का। मैं कह नहीं गुरु जी कुछ और इशारा दो, क्योंकि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गुरु जी की महासमाधि के बाद तो मैं कभी गई नहीं दिल्ली, मुझे पता ही नहीं कि संगत कैसे होती है। और गुरु जी के टाइम में जब लंगर खाया तो वो याद ही नहीं आ रहा कि क्या खाया, कभी याद ही नहीं आ रहा मेरे को। देखो नहीं नहीं गुरु जी, तो मदर इन लॉ अपना कुछ पॉलिटिक्स खेल रही है, नहीं नहीं कुछ और संगत का इशारा दो, क्योंकि हम ही गुरु जी से बोलते हैं ना प्रूफ दो, ये तो हमारी आदत है। और सोचो बहुत पुरानी संगत, एक सेठी अंकल, गोपाल सेठी अंकल, सडनली ही कॉल्ड मी। मैंने कहा अंकल आपने क्यों कॉल किया? कहते मेरा फोन खो गया था, पुराना फोन मिल गया, उसमें तेरा नंबर मिला। तो मैंने उसे बोला